हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं लेमन टेक चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की स्टूडियो में एक अनबॉक्सिंग करने वाला हूं। एलजी का W10 मॉडल है ये। एलजी का मैंने इसे अभी अभी जस्ट परचेज़ किया है। तो जब मैंने परचेज़ किया तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ इसकी अनबॉक्सिंग की रिव्यू भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं W10, जैसे कि LG नीचे लिखा हुआ, ये रहा आपका लोगो। इसके साथ ही आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश यूनिट है। अभी अभी मैंने इसको ओपन भी नहीं किया हुआ है, आप देख सकते हैं। बाकी इसके अंदर क्या है सारा चीज़ मैं आपके सामने अभी ओपन करके बताऊँगा, इसमें क्या क्या मिल रहा है वो सारी चीज़। जैसे कि अगर हम बाहर से अगर इसको देखें तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है LG W10 32 GB। यहाँ पे अगर हम बात करें तो फुल वर्जन नॉइज डिस्प्ले मिल जा रहा है, 4000 mAh की बैटरी मिल जा रही है। इसके साथ ही आपको फेस अनलॉक की फीचर्स भी मिल जा रहा है। इसके साथ ही चलिए मैं ओपन करता हूँ, इसके बाद देखता हूँ इसमें क्या है कैसा है, तो सारी स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि ये देखिए, जैसे कि मैं इसको ओपन करता हूँ, ये देखिए आपके सामने मैंने इसको खोल लिया है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा LG का W10 मॉडल आपका। ये रहा, ये तो हो गया फ़ोन। चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको एक मिल जाएगा मैनुअल वारंटी कार्ड, इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं। इसके साथ ही आपको मिल जाता है मैनुअल की गाइड, जिसकी हेल्प से आप जो भी सारे इंस्ट्रक्शन है इसको फॉलो कर सकते हो। इसके साथ ही आपको मिल जाता है एक चार्जिंग केबल, चार्जर का एडॉप्टर, जिसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी का लग रहा है। इसके साथ आपको मिल जाता है एक USB केबल, जिससे हम अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं या फिर डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके साथ ही मिल जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, पिन इजेक्टर, जिससे कि हम सिम को इन और आउट कर सकते हैं, सिम को निकालने और लगाने के लिए। ये सब तो हो गई सारी बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर जो चीज़ें इसमें मिल रही हैं इस फ़ोन की, तो उसमें आपको दिखाते हैं। जैसे कि ये देखिए, इन सबको तो रखते हैं अभी साइड में पहले। अब पहले बात करते हैं इस फ़ोन की। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये फ़ोन बिल्कुल ब्लैक कलर्स में आता है, बट ये ग्रे कलर का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पूरी तरीके से बिल्कुल अभी फ्रेश है, बिल्कुल न्यू का न्यू है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी बिल्ड क्वालिटी तो हमें बहुत ही अच्छी लग रही है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, दो नैनो सिम लगा सकते हैं। इसके साथ ही आपको एक SD कार्ड का स्लॉट भी यहाँ पे आपको मिल रहा है देखने को। इसके साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको डुअल कैमरा है। इसके साथ ये आपका फ्लैश लाइट, और यहाँ पर आपको नॉइज डिस्प्ले भी मिल रहा है। यहाँ पे आपको एक फ्रंट कैमरा भी मिल रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पे अब इसको ऑन कर लेता हूँ। अब ये देखिए, इसका ये रहा पहला बटन, तो मैंने यहाँ पे इसको ऑन कर लिया। अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस ओपन हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे इस फ़ोन की पूरी स्पेसिफिकेशंस की बात करें, तो यहाँ पे जो डिस्प्ले है इसका IPS डिस्प्ले नॉच डिस्प्ले के साथ आ रहा है। अगर इसके स्क्रीन साइज़ की अगर हम बात करें, तो 16.19 इंच की है। इसके साथ अगर हम इसके OS की बात करें, तो यहाँ पर एंड्रॉयड OS 9.0 है, पाई है। इसके साथ अगर हम इसकी बात करें चिपसेट की, तो MediaTek चिप इसमें यूज हुआ है। और प्रोसेसर की बात करें, तो यहाँ पे ऑक्टाकोर प्रोसेसर यूज हुआ है। अगर वहीं पे हम बात करें रैम की, तो यहाँ पे यूज हुआ है 3 GB का रैम और 32 GB का मुझे एक्सटर्नल स्टोरेज मिल जाएगा इसमें। इसके साथ ही अगर हम कैमरे की बात करें, तो आपका 13 MP कैमरा जो होगा वो बैक का होगा। इसके साथ ही फ्रंट की अगर हम बात करें, तो 5 MP इसमें आपको 5 MP फ्रंट कैमरा मिलेगा। इसके साथ ही अगर आप देख सकते हैं, इसमें आपको फिंगर लॉक मिल जाएगा। फिंगर लॉक के साथ साथ फेस लॉक भी आपको इसमें सेटिंग मिल जाएगी। अगर हम यहाँ पे इसकी बैटरी की बात करें, तो यहाँ पे हमें जो बैटरी मिल रही है 4000 mAh की बैटरी मिल रही है, जो कि बहुत ही अच्छी 4000 mAh की अगर हम बात करें, तो वो बहुत ही अच्छा होता है हम लोगों, क्योंकि एंड्रॉयड स्पेसिफिकेशन की बात। तो अगर हम इसके MRP की बात करें, तो इसकी MRP 9999 रुपये है। अगर आप इसे अमेजोन से ख़रीदना चाहते हो, तो आपको इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी जाके इसको आप बाई कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने फ़ोन को अभी किसी भी टाइप से एक्टिवेट नहीं किया है। हम आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इंग्लिश यूनाइटेड, फिर यहाँ पे कर देना है स्टॉप। तो मैं बेसिकली आप लोगों को दिखाना चाहता था LG का जो नया फ़ोन आया हुआ है W10, तो इसकी पूरी अनबॉक्सिंग। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हुआ होगा और आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, अपने दोस्त अली को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।